जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज का नीमच मंडी का सभी जिनसों का बाजार देख लेते हैं, कैसा रहा है, क्या तेजी मची रही। तो दोस्तों 17,100 रुपये ऊपर में लहसुन बिका। बीज क्वालिटी के मालों में डिमांड अच्छी है। एक 14,400 बिका है, 13,500 ऐसे लाइन से ढेर बिके। उसकी क्वालिटी देखना हो तो आप सुबह का वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हर जिनसों में तेजी मती क्या रही। अश्वगंधा में भी बाजार तेज रहा। मेथी, धनिया, कलौंजी, इसबगोल, सरसों, रायड़ा, पीली सरसों 6,500 तक ऊपर में बिकी है। हर जिनसों की तेजी मध्य। कांदा 3,600 रुपये बिका है। उड़द में भी आज तेजी रही है, 7,950 नया उड़द ऊपर तक बिका है। चना 5,776 रुपये बीज वाला बिका है, विशाल चना बीज वाले डिमांड का। तो कुल मिला के बाजारों में सुधार रहा है, बहुत सी चीज़ों में मध्य रही है। देख लेते हैं कौन सी जिन्स में क्या तेजी क्या मध्य रही है। कल से मंडी अनिश्चितकालीन बंद है, मान के चलिए ये सप्ताह तो पूरा बंद रहेगा। ये सप्ताह तो किसी भी कीमत पर नहीं खुल सकता, इसका साफ नज़र आ रहा है। उसका कारण ये क्योंकि शनिवार रविवार को तो वैसे भी अवकाश है और गुरु शुक्र दो दिन की तो कम से कम हड़ताल आप हो ही जाएगी। अनिश्चित हड़ताल है, कितने दिन बंद रहेगी कह नहीं सकते, मगर ये हफ्ता पूरा बंद रहेगा ये पक्का मान के चलिए। सारी मंडियाँ मध्य प्रदेश की बंद रहेगी। नीमच, मंदसौर, जावरा, उज्जैन, रतलाम, इंदौर और छिंदवाड़ा, अशोकनगर, मालवा, निमाड़ पूरा एमपी बंद है। कुल मिलाकर सारी मंडियाँ बंद है, नीमच मंडी भी बंद रहेगी। तो किसान भाइयों से निवेदन है वो अपनी उपज विक्रय हेतु न लाएं, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखते हैं आज के बाजार। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, ना आए तो जरूर डिसलाइक करें। दोस्तों आज के बाजारों की बात करें कैसे रहे हैं। लहसुन के देशी मालों के बाजार 12,800 ऊपर में बिके। स्पेशल माल जो है वो 11,000 से 11,700 रुपये तक बिक रहा है। फुलगोले टाइप माल जो है वो 10,000 से 11,000 रुपये के बीच में है। लड्डू फुलगोले मिक्स वाले माल 9,000 से 10,000 रुपये हैं और बढ़िया लड्डू माल 7,500 से 8,500 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। जैसी क्वालिटी वैसे दामों पर बिक रहा है। बाजार की तेजी मंदी की बात की जाए कैसा है बाजार, तो दोस्तों अमूमन बाजार समान ही लगा, कोई विशेष उठापटक नहीं। मगर जो स्पेशल माल है उनमें बाजार जरूर तेज देखने को मिला। एवरेज मालों में बाजार कुछ कल के मुकाबले कमजोर देखने को मिला। तो ओवरऑल किसी में अच्छा, किसी में कम, किसी में ऐसा लगा, मगर स्पेशल बीज वाले मालों में जरूर तेज रहा। लड्डू मीडियम मिक्स माल वही 7,000 से 7,500 के बीच में बिक रहे हैं। कुछ लोट है जो 8,000 तक गए हैं। बाकी मीडियम एक नंबर माल 6,000 से 6,500 रुपये एक्स्ट्रा लोट जो होंगे तो 68 तक। एवरेज मीडियम 5,200-5,500 रुपये से 6,000। नीचे में छर्री मीडियम मिक्स 4,400 से 5,000। फूड क्वालिटी 3,000 रुपये से 4,000 रुपये के बीच बिक रही है। जैसा फूड वैसा दाम। बाजार की तेजी मंदी की बात की जाए तो इन रेंजों में भी बाजार समान है, मगर एवरेज माल में बाजार कुछ भी कमजोर है कल के मुकाबले। कल के मुकाबले बाजार एवरेज मालों में, हल्के मालों में, बारीक मालों में कुछ भी बाजार कमजोर कह सकते हैं अपन। इसके अलावा ऊटी लहसुन और G2 लहसुन, ऊटी तो आ नहीं रहा है दोस्तों, G2 लहसुन बिका 17,100 रुपये ऊपर में। आज का सबसे ऊंचा माल बीजू लहसुन, मोटा माल, टॉप क्वालिटी का माल 14,400 एक लोट बिका, 14,400 से 15,000 रुपये बिका है। फुल गोले माल 13,500 से 14,000, लड्डू माल 12,000 से 13,500, लड्डू मीडियम मिक्स माल 7,000 से 11,000। बाजार रहा है 500 रुपये कम से कम तेज। दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज़ है एक्स्ट्रा स्पेशल मालों में, मगर अपन कम से कम 500 तेज कह सकते हैं। बीच क्वालिटी की डिमांड अच्छी, 13,500, 13,000, 14,400 ऐसे लाइन से काफ़ी ढेर बिके। गुरु कृपा गार्लिक सप्लायर्स, उच्चतम क्वालिटी के G2 लहसुन व रियावन लहसुन के बिजवारे हेतु आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। विशेष रूप से जीरन G2 क्वालिटी जो चित्तौड़गढ़ जिले में बेगू तहसील में जो आसपास में बोई जाती है, जीरन G2 लहसुन क्वालिटी। नाना लाल जी धाकड़ साहब और बाग पाछली खेड़ी वाले, इनका मोबाइल नंबर है 9982350555। विनोद जी धाकड़, रवि जी धाकड़, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। विशेष रूप से जीरन G2 क्वालिटी का लहसुन इनके यहाँ बिजवारे के लिए उपलब्ध है, जो काफ़ी वाजिब दाम पर और अच्छी क्वालिटी है, जो आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो अच्छी क्वालिटी के बिजवारे के लिए आप संपर्क कर सकते हैं गुरु कृपा गार्लिक सप्लायर्स। दोस्तों कलौंजी के बाजारों की बात करें, 21,000 रुपये ऊपर में बिका है। टॉप क्वालिटी का स्पेशल माल, बढ़िया माल, प्रीमियम क्वालिटी 20,700 से 21,000 रुपये बिकी है। मीडियम क्वालिटी 20,000 से 20,500, एवरेज क्वालिटी 19,000 से 19,800 रुपये। चालू माल 18,000 से 18,500-700 रुपये। नीचे में जैसा माल वैसा दाम, आवक लगभग 700 बोरी, बाजार लगभग कम से कम 300 रुपये नरम देखने को मिला। तो कुल मिलाकर कलौंजी के बाजारों में भी मध्य वाला देखने को मिला है।
इसबगोल में भी मंदी जारी है, 12,050 रुपये एक ढेर बिका ऊपर में स्पेशल पैकेट माल, बाकी बढ़िया पैकेट माल 11,600 से 11,800 रुपये बिक रहे हैं, सेमी पैकेट माल 11,200 से 11,600, एवरेज फॉरेन माल 10,800 से 11,000, चालू माल 9,500 से 10,300, आवक लगभग 700 बोरी के आसपास, बाजार लगभग 200 से 300 रुपये नरम देखने को मिला। कुल मिलाकर आज फिर मंदी है, दो दिनों में लगभग 500 से 600 रुपये के आसपास बाजार कम हो चुका है इसबगोल में। धनिया में बाजार समानी है, ऊपर में 7,000 रुपये तक बिका है टॉप क्वालिटी का माल, जिसकी क्वालिटी आप वीडियो के सबसे अंत में देख सकते हो कौन सी क्वालिटी बिकी है। ग्रीन माल 6,200 से 6,500 रुपये बिका, ईगल माल 5,800 से 6,100 रुपये बिका, बादामी माल 5,400 से 5,700 बिका, एवरेज माल 4,300 से 5,500 रुपये जिसमें डंकी भी शामिल है, 3,500 बोरी आवक, बाज़ार लगभग समान देखने को मिला, ना तेज़ी रही ना मंदी रही। मेथी में बाज़ार की बात करें, ऊपर में 6,400 रुपये तक बिका, एवरेज माल 5,400 से 5,500 रुपये और बढ़िया बारीक माल 5,600 से 5,800 रुपये, मोटे माल जो है 5,800 से 6,000 रुपये, बोल्ड माल 6,000 से 6,400, पुराने माल 3,800 से 3,500 रुपये, 2,500 बोरी के आसपास आवक रही। बाज़ार की तेज़ी मंदी की बात की जाए, बाज़ार लगभग 50 रुपये नरम देखने को मिला। दोस्तों कुछ बारीक माल 56 बिके और अधिकतर 57 से 58 रुपये के बीच में बिके हैं। इसके अलावा गेहूं के बाजारों की बात की जाए, 1971 रुपये ऊपर में बिका, एकदम सुपर माल की आवक नहीं थी, सुपर माल 1850 से 1950, बढ़िया लोकवान 1725 से 1850, एवरेज लोकवान 1550 से 1650, मिल बेस्ट क्वालिटी 1500 से 1520 रुपये, नीचे में हल्की क्वालिटी का मिल 1420 से 1480 रुपये, आवक रही लगभग 350 ट्रोलियों की, बाजार में आवक 10,000 बोरी रही और 20 रुपये की तेज़ी देखने को मिली, लेवाली अच्छी रही। ऊपर में फिगर नहीं है दोस्तों आज, उसका कारण ये है बढ़िया मालों की आवक नहीं थी, मगर कल के मुकाबले बाजार तेज रहा। मसूर 5,640 ऊपर में बिका, बढ़िया मसूर 5,600 रुपये से 5,650 रुपये के बाजार, एवरेज क्वालिटी 5,400 से 5,600, नीचे में 4,748 से 5,200, 30 से 40 बोरी के आसपास आवक रही। बाजार को या तो समान कह दो या 50 रुपये नरम भी कह सकते हैं, दोस्तों दोनों चीज़ कह सकते हैं, या तो समान भी कह सकते हैं या 50 नरम भी कह सकते हैं, 30-40 बोरी थी, ज़्यादा आवक भी नहीं थी। डॉलर चना ऊपर में 6,400 रुपये बिका, बढ़िया माल जो है वो 6,300 से 6,500 रुपये के पक्के बाजार हैं अभी भी, एवरेज मालों के 5,600 से 6,000 रुपये के बाजार हैं, चालू माल 4,500 से 5,500 के बाजार हैं, आवक लगभग 200 बोरी के आसपास है, बाजार की चाल 100 रुपये की नरम कह सकते हैं। तो कोई विशेष बाजार डॉलर चने में अभी हाल फिलहाल नहीं है और लगातार अब कल से अवकाश देखने को मिल रहा है अपने को मंडियों में। सोयाबीन के बाजारों की बात करें कैसे रहे हैं, तो सोयाबीन ऊपर में 3,950 तक बिकी है, टॉप क्वालिटी का माल 3,900 से 3,935 तक बिका, मीडियम क्वालिटी 3,800 से 3,850, एवरेज माल 3,500 से 3,700, 10,000 बोरी आवक रही, बाजार 50 रुपये तेज रहा। पुरानी नई सोयाबीन 3,200 रुपये से लगाकर 3,700 रुपये तक बिकी, नीचे में 2,500 रुपये बिकी, नई सोयाबीन की आवक 2,000 बोरी की देखने को मिली। जो ऊपर में 1,320 रुपये बिका, बढ़िया जो 1,280 से 1,300 रुपये, एवरेज जो 1,200 से 1,230, हल्का डंकी 1,150 से 1,200, 250 बोरी आवक रही, बाजार 50 रुपये तेज रहा। जो में दोस्तों मक्का की भी आवक आ रही है, जो 1,000 रुपये से 1,111 रुपये तक बिक रही है, 1,190 ऊपर में बिकी है। मूंगफली के बाजार 4,000 से 4,400 तक के बाजार हैं, कोई विशेष बाजार नहीं है। चने के बाजार, बीज वाला चना 5,776 बिका दोस्तों आज, 5,776 रुपये, बढ़िया कलर वाला विशाल चना 4,800 से 4,975, बढ़िया कांटा चना 4,950 से 5,051 रुपये ऊपर में आया, एवरेज कांटा चना 4,850 से 4,950। दोस्तों चालू माल चाहे वो विशाल का हो या डंकी का हो 4,700 से 4,800, डंकी माल 4,300 से 4,500 और आवक रही लगभग 450 बोरी की, बाजार लगभग 100 रुपये तेज देखने को मिला। तो कुल मिलाकर बीज वाले क्वालिटी में जोरदार ले वाली है। पोस्ता दाना 1,15,000 ऊपर में है, टीनोपाल माल 1,07,000 से 1,13,000-14,000 तक है, सेमी टीनोपाल 1,04,000 से 1,07,000, बढ़िया गुलाब माल 1,02,000 से 1,03,500, एवरेज गुलाब माल 1,00,000 से 1,02,000, रनिंग माल 93,000 से 98,000, रनिंग और हल्के मालों में बाजार 1,000 रुपये नरम और 250 बोरी के आसपास आवक, सिर्फ हल्के मालों में मद्दा है, बाकी सामान हल्के मालों में 1,000 और 1,000 से भी ज़्यादा नरम कह सकते हैं, क्योंकि हल्के मालों की कोई पक्की रेंज नहीं, बाजार मद्दा रहा हल्के मालों
मालों में। अश्वगंधा ऊपर में 44,000 रुपये बिका, बढ़िया माल 40,000 से 44,000 रुपये के बाजार हैं। मीडियम क्वालिटी का भाव 28,000 से 39,000 रुपये का भाव है। नीचे में 17,000 से 27,000 रुपये का बाजार है। 100 बोरी की आवक है और बाजार 2,000 रुपये तेज देखने को मिला। और टॉप क्वालिटी का महेश जी पाटीदार साहब का माल है जनकपुर वालों का, जो 44,000 रुपये बिका, जिसकी हमने क्वालिटी भी सुबह बताई है, लाइव भाव में आप वह देख सकते हैं। रायड़ा ऊपर में 4,980 रुपये बिका, किराना क्वालिटी माल 4,950 से 4,980, बढ़िया माल 4,850 से 4,900, एवरेज माल 4,700 से 4,800 रुपये। आवक की बात की जाए तो 400-500 बोरी की, बाजार की बात की जाए तो 25 रुपये तेज रहा, ले वाली कुछ भी अच्छी जोरदार ठीक रही। तो कुल मिलाकर बाजारों की स्थिति में कभी सुधार है, कहीं कहीं पे कुछ नरम है। ओवरऑल हर जिंसों में अलग अलग तेजी मंदी देखने को मिल रही है। कांदा ऊपर में 3600 रुपये बिका, मोटा माल 3200 से 3600 रुपये का बाजार, एवरेज मोटा माल 2500 से 3000 का बाजार, गोल्टे गोल्टी मिक्स वाले माल 1800 से 2400 का बाजार, नीचे में 999 रुपये से 1500 रुपये के बाजार, 300 से 400 रुपये कांदे प्याज में तेज रहे बाजार और लेवाली जोरदार देखने को मिली। तो प्याज के अंदर बाजारों में सुधार देखने को मिल रहा है। नया उड़द में तेजी लगातार जारी है, 7950 रुपये नया उड़द बिका, नया बढ़िया उड़द 7300 से 7700, मीडियम उड़द 7000 से 7300, एवरेज उड़द 6500 रुपये से 7000 और चालू माल नया 5300 से 6000 के बाजार है। 500 बोरी के आसपास नए उड़द की आवक रही, नए मालों में बाजार 100 रुपये तेज रहा, नए मालों में लेवाली अच्छी जोरदार देखने को मिली। अलसी 5265 रुपये ऊपर में बिकी, बढ़िया माल 5150 से 5225 रुपये बिका, मीडियम क्वालिटी 5000 से 5110 रुपये बिका, चालू माल 4700 से 4950, आवक रही 600 बोरी, बाजार लगभग 50 रुपये के आसपास नरम देखने को मिला अलसी में आज। कल तेजी थी तो आज मंदी देखने को मिली है। तिल्ली 7900 बिकी, एकदम स्पेशल माल तो नहीं था, बढ़िया की रंगत 7900 से 8100 की मान लीजिए, मीडियम माल 7300 से 7800, एवरेज माल 6300 से 7000 रुपये बिका, 150 बोरी आवक, बाजार 300 रुपये नरम देखने को मिला। तो तिल्ली में भी गिरावट का रुख देखने को मिला। तारामीरा के बाजारों की बात करें, 3750 रुपये ऊपर में बिका, बढ़िया माल 3700 से 3750, एवरेज माल 3650 से 3700, 40 बोरी आवक रही, बाजार लगभग 50 रुपये नरम देखने को मिला। तो कुल मिलाकर तारामीरा के बाजार भी कम देखने को मिला आज। और अजवाइन अजमेर की बात करें तो अजवाइन में भी कुछ लेवाली कम जोड़ी देखने को मिली, 14000 रुपये ऊपर में जरूर बिका, देशी माल तो 11500 से 12500 और लाल माल 10800 से 11300, एवरेज माल चाहे वो देशी का हो या लाल का है 10000 से 10500 और चालू माल देशी का हो या लाल का 8500 से 9500, 8000 से 9500 की रेंज में भी माल बिका है आज कुछ काफ़ी, क्योंकि और लेवाली 600 रुपये आवक रही, लेवाली कुछ भी कमजोरी देखने को मिली है अजवाइन के अंतर्गत, चाहे वो उनालू वाला माल हो, चाहे वो देशी पोरी वाला माल हो, लाल माल हो, तीनों क्वालिटी में बाजार कुछ भी कमजोरी कह सकते हैं अपन। 14000 ऊपर में बिका, बढ़िया एक्स्ट्रा माल 13800 से 14000, बेस्ट माल 13000 से 13500, मीडियम क्वालिटी 11500 से 12000 रुपये बिक रहे, 12500 बिक रही है, नीचे में 9500 से 10500, आवक लगभग 600 बोरी के आसपास देखने को मिली है, वो बाजार लगभग समान ही देखने को मिला, कुछ पावर जोश कम देखने को मिला, लेवाली कमजोर देखने को मिली है। तुलसी बीज में आज बाजार में रोज एक आध दिन में तेजी मंदी होती है, 19,360 रुपये ऊपर में बिकी, बढ़िया माल 18,500 से 19,000, मीडियम माल 16,500 से 17,500, एवरेज माल 13,500 से 15,500, बाजार कल 1,000 तेज था तो आज 1,000 रुपये नरम रहा। आवक की बात की जाए तो 100 बोरी आवक रही, देखते हैं कौन सी बढ़िया क्वालिटी का धनिया ऊपर में बिका है। दोस्तों स्पेशल क्वालिटी का धनिया जो 7000 रुपये के दाम बिका है, देख सकते हैं ग्रीन स्कूटर टॉप क्वालिटी का माल जो आज ऊपर में बिका है, ये क्वालिटी मेरे हाथों में 7000 रुपीज़ के दाम पे बिका है, देख सकते हैं क्वालिटी जो मेरे हाथों में 7000 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर। तनुज हर्बल, अश्वगंधा, अकरकरा, स्टीविया, तुलसी, कालमेघ, चिया, सर्पगंधा, कलौंजी, शतावरी, सफ़ेद मुसली, कोंच व अन्य औषधि उपज की खेती करते हैं और करवाते हैं, बीज हेतु आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर 9826658193, पता मंदसौर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको यदि औषधि उपज की कोई खेती करना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, यह आपको बीज भी उपलब्ध करवा देंगे और खेती से संबंधित सभी जानकारी भी उपलब्ध करवाएंगे। तो तनुज हर्बल और आप इनसे संपर्क कर औषधि उपज की खेती कर, अच्छा
खेती से मुनाफा ले सकते हैं आप।